हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा जायका। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली फ्रेड राइस की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेड राइस बनाने के लिए 2 गिलास चावल ले लिए हैं। ये बासमती राइस है, इसे हम धो करके 10 मिनट के लिए पानी में फूलने देंगे। हरे सब्जी में यहाँ पर हम गाजर और बीम ले लिए हैं। ये 200 ग्राम गाजर है और 200 ग्राम बीम है। इसको धुलाई करके हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। यहाँ पर हम 250 ग्राम आलू ले लिए हैं और इसको छील लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट के धो लिए हैं। खड़े मसाले में हम यहाँ पर छोटी इलायची, लौंग और बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा चावल फूल गया है। 10 मिनट के लिए हम छोड़ दिए थे फूलने के लिए पानी में। तो सबसे पहले हम चावल बना लेंगे। तो चावल बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में पानी रख दिए हैं, गर्म हो गया है। खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें चावल को भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम चावल को 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। बीस मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए। आप देख सकते हैं हमारा चावल अच्छे से पक गया है। अब हम इसको छान लेंगे। अब कढ़ाई में एक बड़े चम्मच हम रिफाइंड तेल ले लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा अब हम इसमें आलू को डालेंगे। आलू को हमें सीझने तक फ्राई करना है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आलू अच्छे से सीझ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसी तेल में कटे हुए बीम डालेंगे और गाजर को भी डाल देंगे और दोनों को साथ में फ्राई करेंगे। गाजर और बीम को भी हम सीझने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा गाजर और बीम अच्छे से पक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में हम 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुना गया है। 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 इलायची हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पके हुए चावल को डालेंगे। और हम इसमें फ्राई किए हुए सब्जियों को डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च के पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्रेड राइस बनके तैयार है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेड राइस बनाना कितना आसान है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीका से। ये फ्रेड राइस बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल है। ये फ्रेड राइस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।